दुश्मने मुस्तफा खैरियत ही नहीं मिल नहीं पाएगी तुमको राहत कहीं तुम पिटोगे बहुत कब्र में देखना तुम पिटोगे बहुत कब्र में देखना अपनी जिल्लत तो तुम हश्र में देखना अपनी जिल्लत तो तुम हश्र में देखना बस गुलाम उनके मसरूर हैं ये वहाबी तो लंगूर है। जमशेद कादरी। हाँ जी बोलो। अली असगर के चेले साहब। अच्छा आप भी किसी के चेले हो क्या? अकेले सब सीख लिए? अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे के चेले हैं जिसके आगे तुम्हारे बड़े बड़े उलमा पानी भरते हैं। किसके किसके चेले हो बताओ? चलो उसको छोड़ो तुम बताओ कॉल क्यों किए? ना मैंने तुम्हारा जनाजा निकालने के लिए फोन किया हूँ। तेरी औकात है मैं तेरे अली असगर से नहीं हुआ भाग गया साला ससुरा वो तू क्या करेगा भे? आ गए गाली को ये गाली अहमद रजा ने सिखाया किसने सिखाया ये गाली गाली क्यों वो साला भाग गया वो बोल रहे हो साला भाग गया ससुरा भाग गया ये सब बक रहे हो गाली नहीं दुआ है। अच्छा तो साला क्या है? साला क्या दुआ है ना? दुआ है साला गाली है दुआ है साला गाली है दुआ है। अच्छा ये बता साला गाली है साला दुआ है। अरे साला गाली है तो बता ना अभी तेरे लिए असगर से साबित करूंगा ना साला। अरे तो साला ये दुआ है नहीं तो गाली है। वो तो मैं भी कह रहा हूँ गाली है तेरे लिए असगर भी भगता है साला साला तो गाली पे क्यों आ गए अभी अली असगर गाली क्यों भगता है साला क्यों बोलता है? बात तेरी मेरी हो रही है। तूने पर्सनली मुझे क्या लिखा खबर पूछा रही है? हाँ तो तूने मुझको कब्र पूछते हुए कहाँ देखा? मैं क्या बोल रहा हूँ? तूने मुझको कब्र पूछते हुए कहाँ देखा ये बता। अरे तेरी जात कब्र पुजारी है उसे छोड़ यार। जाहिल के बच्चे तूने मुझे कब्र। अरे तेरी जात कब्र पुजारी है तू वो छोड़ दे। नहीं है मैं फोन क्यों लिख के लिए किया हूँ? मैं देखो घबरा रहा है। अब बरेली भागेगा अब बरेली भागेगा अब भागेगा बरेली बरेली बना के पूजा कौन कर रहा है? अब बरेली भागेगा ये बरेली भागेगा ये जमशेद अब भागेगा बरेली भाग रहा है। मौजू पे बात करेगा ये इस मौजू पर बात करूंगा वही तो बता रहा हूँ। ईद मिलादुन नबी पर बात करूंगा मैं। ईद मिलादुन नबी की तारीफ कर तारीफ कर तारीफ कर ईद मिलादुन नबी की तारीफ कर। ईद मिलादुन नबी तू बात करेगा इस तारीफ तो कर इस पर बात करेगा हाँ या ना? बिल्कुल करूंगा तारीफ कर इसकी पहले बात बता तारीफ कर ईद मिलादुन नबी की तारीफ कर। अच्छा तारीफ कर दूंगा कर रहा हूँ हाँ बात करने आया हूँ। ईद मिलादुन नबी की तारीफ कर कि तेरे घर के ईमान है तू बरेली में तो लाश मारेगा तू 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 मत कर अभी 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 तारीफ अभी मैं करता हूँ बरेलियत को लात मारेगा बरेलियत को लात मारेगा लात मारेगा बरेलियत को। अब तू ना कर सका तो देवबंदियत को लात मारेगा मार दूंगा इंशाल्लाह। चल अब कर तारीफ कर अब तू बोल मारेगा क्या कसम खा के बोल बरेलियत को लात मार दूंगा और मैंने तारीफ कर दिया बातिल नहीं है तू तेरी ऐसा तुझे खुद कॉन्फिडेंस नहीं है कि बातिल इसलिए तो तू क्या हमको इतना कमाल है इतना भरोसा है हमारे की तारीफ कर गाली बात के पखाने। अरे जमशेद दूसरे से मदद मांगने वाली जात अल्लाह की जात को छोड़कर मुर्गों से मांगने वाली जात मतलब होगी। अभी तो मुर्गों में आ गया फिर क्यों बोल रहा है नबी की तारीफ मिलादुन नबी खा मैं बोल रहा हूँ ना मैं तो बोल रहा हूँ अब तो तारीफ कर तारीफ मैं बोल रहा हूँ ना तारीफ कर दिया तो बरेली को लात मारेगा हक को छोड़ता है तो हक है तू पेश कर कहाँ से है कुरान हदीस या इजमा कया उसमें कहाँ है अरबा दुनिया से साबित कर 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 पेश कर देता हूँ कर 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 मैं पेश कर देता हूँ कर कर कर। अच्छा ये बता आला हज़रत के बारे में तेरे घर के अकाबिरों ने क्या लिखा है?
अब आला हजरा देखो यार सामान देखो सामान आला हजरा इसको मैं ईद मिलाद नबी को पूछ रहा हूँ ईद मिलाद नबी के मुताबिक पूछ रहा हूँ या कबर पुजारी भाग रहा है अहमद रजा के पास आदि छोड़ दो की तो तारीफ तू करेगा ना तू बात करने आया ना मुझसे अब देखो अभी बोला मैं साबित कर रहा हूँ अब बोलता है तू अब बोला अभी खुद बोला की मैं तारीफ कर रहा हूँ हक से मांग के लिए बोला मेरा मसला हटे मर जाएगा कादरी पादरी तूने तो मुझे मर जाएगा के लिए बोला ना मर जाएगा तू नहीं साबित कर सकता मेरा मसला था क्या मर जा अरे तेरा मसला तू करेगा तेरा मसला तो तेरे हिसाब से हक है ना तेरे से बदतर मसला दुनिया में कोई नहीं है मुसलमानों में बोल अब तू क्या बोलता है हेलो हाँ बोल अगर ईद मिलादुन नबी की तू तारीफ करे बिना फोन काट के भाग गया तो हरामी साबित होगा वो सब फालतू वाली बातें मत बोल भाग गया ये कर दिया तू पकाएगा तू रात भर पकाएगा तो मैं पत्ता फोड़ लूंगा देखो आ गया गाली के हरामी जल्दी बोल ये है रजा खानी हरामी जल्दी बोल ये अहमद रजा को गाली क्यों दे रहा है ईद मिलादुन नबी को नहीं मालूम है सुने ये अभी खुद बोला मैं तारीफ करूंगा अभी बिल्कुल मुझे बिल्कुल तू भी अगर तू एक बात की औलाद है और इंडिया लाइक तेरे गली धर्म को मुटेगा उसके ऊपर बोल मेरे धर्म को गली पर साबित कर अरे तू पहले ईद मिलाद नबी की तारीफ करने बोला अरे तू ईद मिलाद नबी को ईद मिलाद नबी की तारीफ कर चल दलील पेश कर मैं करूँ दलील अरे तू बोला तारीफ मैं करता हूँ अभी तू मैं बोला इसी वाइस में बोला है इसी वाइस में बोला है अपने मसलक को हक साबित करूंगा काले ईद मिलादुन नबी की तारीफ को नहीं मालूम है कि तेरे घर वालों ने ईद मिलादुन नबी की तारीफ अरे अरे झूठा भूत परस्त अल्लाह की जात ईद मिलादुन नबी मांगने वाली जात नबी मनाने अरे तू बताना साबित तो कर दलील 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 पेश कर भाग मत बरेली मत भाग क्या पेश करूं शरीयत इस्लामिया में ईद मिलादुन नबी मनाना कहां से है दलील पेश कर खत्म बात अच्छा चल ठीक है अगर शरीयत में ईद मिलादुन नबी मनाना गलत है तो उस पे हुक्म क्या लगेगा हुक्म क्या लगेगा जिसने ईद मिलादुन नबी मनाया है हाँ। उस पे हुक्म क्या लगेगा हुक्म लगा तू तू पहले साबित तो दलील को दे तू मनाता है पहले हुक्म तो लगा देखो हुक्म लगा ये बात देखो सामने नहीं गया मेरे देवबंदियत की औकात मैंने कहा ईद मिलादुन नबी देखो मनाता है इसकी औकात देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है अल बजना तो अल मुद्दई दलील मुद्दई की तो कुरान कहता है कुल हकु बुरहान को कुरान अल्लाह के रसूल भी फरमा रहे हैं और अल्लाह खुद कुरान में कह रहा है दलील मुद्दे अगर सच्चे दलील दो अब ये भाग रहा है हुकुम हुकुम अबे हुकुम कब लगता है तुझे कुछ पता भी है जाहिल कुरान की आयत तू पढ़ता है तुझे अलम तरा बिजारतिन बिजारतिन क्या क्या है ये अब तू दलील पेश कर कहां है मनाना भाग्य क्या ओए कबर पुजारी अगर तुम सच्चे हो तो दलील पेश करो तो ईद मिलादुन नबी तो तमाम अइम्मा से साबित है और तू मना कर रहा है तो दलील तू पेश करेगा साबित है तो दलील दे साबित है तो तू मना कर रहा है तो दलील तू पेश करेगा ये कुरान तो गई जाहिल तुझे मैंने नबी के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पे बता दिया है अब कुरान की आयत भी पेश कर दिया अब तो कुरान के अरे तो मेरे दलील के सब तमाम अइम्मा तमाम देखो ये कबर पुजारी है कि दलील ये कब तक बरेली भागेगा अल्लाह को मालूम है तुझे मना कि अरे दलील तो तू देगा अल्लाह के रसूल ने कहा है कि दलील उसके जिम्मे है जो वो अमल करता है अब तू दलील दे अमल तू तेरा है मेरा तो अमल है नहीं ना करने की दलील कहां से सीख लिया तुम लोगों ने ये कबर पुजारी जमशेद पादरी चल दलील दे दलील दे दलील सुन दलील सुन ये तेरी किताब है फैसला हफ्ते मसला अब ये तेरी किताब है फैसला हफ्ते मसला ये तेरी किताब है फैसला हफ्ते मसला हाजिम जादूला मुहाजिर मक्की मिलाद उन नबी मनाने के कायल है पड़ गया जूता तेरे घर से
घर में जूता पड़ गया, हाजी इमदादुल्ला मुहाजिर मक्की भी देती हो गए, मर रहा है बोला हमारे अकाबिलों के पास, हमारे अकाबिलों के पास चले गया भेंट मांगने। अब तू मुझे मना की दलील दे कि तेरे किस अकाबिल ने मना किया, किस अकाबिल ने मना किया। अच्छा ये बता तू, चल छोड़ दे, तू नहीं दे पाएगा। पहले हाजी मुहाजिर मक्की पे जश्न, मैं बोल रहा हूँ जश्न ईद मिलादुल नबी मनाना, और मैं अब्दुल्ला तो साबित करना तुझे बोला, तू चले गया देवबंद, चले गया भीख मांगने। आ दे ओरिजिनल किताब से पेश कर, इमाम तिर्मिजी बाब कायम करते हैं हाजा मिलादुल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, और उस बाब में तमाम हुजूर की पैदाइश से लेकर के हुजूर की तमाम पैदाइश से लेकर के हुजूर की तमाम जिक्र की हदीसें कोट करता है और उसका बाब बनाता है हाजा मिलादुल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अच्छा बता मुझे कि तेरे हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की के फैसला अल्लाह में लिखा है कि कबर पुजारी सुनने को तैयार नहीं है, ये गाली दे रहा है, ये अहमद को निशा की सुन्नत अदा करेगा, ये अहमद कबर पुजारी पहले तू स्क्रीन पेश कर ओरिजिनल किताब से, स्क्रीन पेश कर ओरिजिनल किताब से, झूठे मक्कार गद्दार है यार। पेश कर दिया तो तौबा कर लेगा, पहले पेश कर को आजा मिलादुल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का अगर बाप पेश कर दिया इमाम तिर्मिजी का, तो इमाम तिर्मिजी रहमतुल्लाह की जो इबारत तूने पढ़ा है वो स्क्रीन पेश कर ओरिजिनल किताब से, नो पीडीएफ तो करेगा, नो पीडीएफ नो गूगल। अबे पहले करेगा, अरे तू क्या खल्त मल्त कर रहा है, जो जल्दी शिकायत हो जाएगी अगर मैंने पेश कर दिया तो। बिल्कुल नहीं, पादरी जवाब सुन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबर पुजारी अब देखो ये कबर पुजारी ये इमाम तिर्मिजी रहमतुल्लाह पर भोंक रहा है, ये वो गलीज गंदी कौम है इस दुनिया के अंदर, वो गलीज गंदी कौम है, ये सावा को भी और किसी मुहद्दिस को भी कौम।